देख लो भैया कार की कीमत की गाड़ी में एक प्लग चलते चलते बंद हो जाते दूसरा इंजन काम करने लगा। हाँ नहीं इंजन तो दोनों ही चालू रहते हैं, मतलब सिलेंडर दोनों काम करते हैं, जैसे चालू करोगे तो दोनों ही काम करेंगे। इतनी स्पीड बना देती है हाईवे में। हाँ हाँ एक रेसिंग गाड़ी है ना वो। हाँ 11 साल पुरानी गाड़ी है ये, 11 साल पुरानी। राहुल भी निकल जाएंगे आगे। हरा दिया यार, CBR से हरा दिया। हेलो रेसर फोर्स, दिस इज लकी द रेसर, वेलकम बैक टू द चैनल। शाम का वक्त है, सुबह बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, धूप लग रही थी, निकलने की हिम्मत नहीं हुई। जिम से आके भाई बस रेस्ट ही किया आज, स्क्वाट मारे थे हमने, बहुत ज्यादा पेन था, मैंने बोला रेस्ट ही करो, शाम को निकला जाएगा। और शाम को मालूम है क्या हुआ, अभी बज रहा है करीब 5:25 हो गया यार, 5:30 हो गए, करीब 4:30 बजे ना राहुल भैया का कॉल आया था। राहुल भैया जिनको आप शायद जानते होंगे, पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, राहुल भैया से मैं मिला था भाई 2015 में, जब मेरे पास CBR 250R रेप्सोल थी और भैया के पास CBR थी जो HRC होता ना भाई, वो हम लोग मिले थे। फिर हम लोग ने राइड भी की काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा मिलना नहीं होता बट राहुल भैया से मिलता रहता हूँ। जब गाड़ी हम लेने गए थे ना भाई अपनी, जिस दिन हमने ली थी उस दिन राहुल भैया भी थे, आप लोग जानते होंगे, तो उनका मुझे कॉल आया बहुत दिनों बाद कि लक्की यार चले यार राइड पे चलते हैं, सनसेट देख के आते हैं, थोड़ा मजे करते हैं। मैंने चलो ठीक है भैया, मैं भी निकलने ही वाला था, अगर आप कॉल नहीं करते तो मैं तो अकेले ही जाता, चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो अभी देखो खुदड़ी रोड्स हैं, बहुत बेकार रोड्स हैं, तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ राहुल भैया के पास, मैं और राहुल भैया निकलेंगे राइड पे। राहुल भैया के पास बुलेट भी है और CBR है, जो हमारे पास भी है। अभी हमारा भाई चलाता है CBR, हमारी बुआ का बेटा, तो मैं GT में हूँ और राहुल भैया देखते हैं बुलेट लेके आते हैं या CBR लेके आते हैं, तो आपको CBR दिखाएंगे भाई। वो जो CBR है राहुल भैया वाली, वो मेरी गाड़ी से भी करीब 2 साल पुरानी थी, 2012-13 का मॉडल है वो, 11-12 साल पुरानी बाइक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा चला के भी दिखाऊंगा कि आज भी कैसी चलती है वो। देखो होंडा के इंजन भाई बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, नो डाउट, बहुत रिफाइंड होते हैं और रिलायबल होते हैं, बहुत ज्यादा सालों साल चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती होंडा के इंजन में। ये तो आप लोग भी देखते होंगे भाई, आज के समय में एक्टिवा भी देखो ना, मैंने देखा भाई 20-20 साल पुरानी एक्टिवा आज भी चलाते हैं लोग यार, होंडा के इंजन इतने ज्यादा सुपीरियर होते हैं। तो बस मैं राहुल भैया के पास पहुंच रहा हूं, पहुंचने वाला हूं। बाकी मैं कुछ नई चीजों में वर्क कर रहा हूं, अभी मैं कुछ नया ही लेके आऊंगा, पुरानी चीजें नहीं घसीटता रहूंगा। बस गाइज आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग आता रहेगा, अभी मैं उन चीजों में काम कर रहा हूं। अभी तो 2-4 दिनों से भाई तबीयत खराब है मेरी, रेस्ट कर रहा हूं घर में, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, शाम को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, दिन में बहुत धूप होती है, और हमारा काम भाई घूमने ही का ही है। तो अभी थोड़ा सा बीमार था इसलिए व्लॉग नहीं लेके आ पा रहा हूँ, बट डेली व्लॉग अब स्टार्ट कर दूंगा कभी भी, और कभी कभी 1-2 दिन का गैप हो जाता है भाई, वो तो पर्सनल रीजंस होते हैं, सबकी लाइफ में चीजें होती हैं, हमारी लाइफ में भी होती रहती है। अभी आगे ना बहुत प्यारी वाली रोड आएगी जहाँ पे मुझे ना गाड़ी भगानी बहुत पसंद है, मैं अब इमेजिन करने लगा हूँ कि मेरे हाथ में बहुत जल्द एक सुपर बाइक आने वाली है। तो आप लोग प्यार बनाए रखना गाइस, बहुत जल्दी सुपर बाइक लेके आएंगे, आवाज सुनो लो। कैसी लगी गाइस आवाज? राहुल भैया कहाँ हो? अभी हो कहाँ? आप घर से निकले कि नहीं अभी? ओके हाँ हाँ ओके, चलो भाई लोग अपन भी पेट्रोल डला ले आ रही है, तो हमेशा भूखी रहती है, प्यासी रहती है। ये रोड बहुत प्यारी लगती है, क्या व्यू आता है गाइस, बहुत पसंद है यार ये रोड सही में, इतनी प्लेन है एक तो, ओ माय गॉड एयर ले रही है, पेट्रोल तो होगा पर इतना इसमें ऐसा हो नहीं सकता, पहली बार ऐसी एयर ली इसने भाई, क्या बात हो गई, एयर कैसे ले सकती है ये। GT का साउंड पहले से ज्यादा बेसी लगने लगा यार, अब और थोड़ा लाउडर लगने लगी है। 520 करा लो गाइस, 500 का नहीं डला रहे, 20 और एक्स्ट्रा कर दिया, थैंक यू सो मच। हमारी गाड़ी में पेट्रोल डल चुका है यार, 500 में 4 पॉइंट आया, अभी एक तो गायब हो जाएगा। कितना कम माइलेज दे रही है यार इस समय ये, मैंने इसको फुल कराया था मालूम है, फुल करा के मैंने इसको करीब 20 किलोमीटर चलाया होगा, मुझे अच्छे से याद है, 20 भी नहीं चलाया होगा, फुल करा के मैंने इसको चलाया होगा करीब, हाँ 20 किलोमीटर मान लो। उसके बाद ये 196 चली है, वो भी ब्लिंक करने के बहुत देर बाद तक यार, मतलब ये एक बार फुल होने में 200 भी नहीं चल रही है। हमको रिएक्शन मिल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं भैया लोग,
चलो उनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा चल के। कैसा क्या गाड़ी है देख रहा है भैया? हाँ भैया। हाँ बैठ सकता है? हाँ सिर्फ एक भैया। रॉयल एनफील्ड की है या जी टी 650, इसमें सिर्फ एक जन बैठ सकता है। 650 cc की है, दो सिलेंडर है इसमें। दो प्लग भी दो लगे होंगे ना? हाँ इसमें प्लग भी दो है, सिलेंडर भी दो है। एक प्लग चलते चलते बंद हो जाए तो दूसरा इंजन काम करने लगा। हाँ नहीं इंजन तो दोनों ही चालू रहते हैं, मतलब सिलेंडर दोनों काम करते हैं, जैसे चालू करोगे तो दोनों ही काम करेंगे। ये कैमरा लगा है इसमें? अभी कैमरा लगाया नहीं मैंने। गजब। हाँ राहुल भैया निकल गए या CVR फाइनली? हाँ मैं डलवा लिया, आप डलवा के आओ। हाँ डलवा के आओ। हाँ ये देती भी अभी 18 का दे रही है इस समय। अगर रेसिंग गाड़ी है ना वो, हाँ डबल साइलेंसर लगे, इतनी स्पीड बना देती है हाईवे में तो। हाँ हाँ एक देख लो भैया कार की कीमत की गाड़ी है, बैठ के देख लो ना भैया कोई बात है क्या। बहुत बजाने हैं दो हजार बारह की है ना CVR? 11 साल पुरानी गाड़ी है ये, 11 साल पुरानी। तेरा कैसे होगा भैया? 13 में लिए, 24 चल रहा है, 11 हुए ना। मेरी वाली 15 की है, मेरी CVR 15 की है। आपने पहले लिए थे फिर मैंने, फिर अपन मिले थे क्यों। चलो पहले राहुल भैया ने इसमें M4 लगाए थे यार। बहुत हल्ला करती थी, सिंगल सिलेंडर में नहीं लगाना चाहिए वैसे तो, मजा नहीं आता। बाकी GT CVR को खा जाएगी, GT में इतना पावर है ना। ऐसे काफी सारे भैया लोग मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, शाम हो रही है ना, अच्छा लग रहा है राइड करने में। और शाम का वक्त है, सनसेट होते हुए देख रहे हैं हम लोग जाएंगे तिलवारा, और तिलवारा में भाई ब्रिज है, पानी वाली लोकेशन है, आपको दिखाएंगे सारी चीजें, ठीक है। एक चीज अच्छी है भाई, घर के पास ही हाईवे है, 2-3 किलोमीटर आगे जाओ हाईवे से कनेक्ट हो जाओ, ये चीज अच्छी लगती है। हाँ राहुल भैया। भैया की गाड़ी भी हल्ला कर रही है, GT तो कर ही रही है हल्ला बहुत भयंकर। इन बाइक्स में ना पता नहीं चलता यार, 50-60 किलोमीटर तो पता ही नहीं चलता यार, कब आप पहुंच जाओ। मजे में 100 किलोमीटर चला दो भाई, पता ही नहीं चलता। मैंने अपनी CVR में वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चाहो तो चैनल पे जाके चेक कर लेना, लेकिन अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करो। कर दिए क्या प्यारा व्यू है यार, व्यू चेक करो गाइस, क्या प्यारा व्यू है, मौसम कितना प्यारा है यार। अच्छा करे राहुल भैया ने जो फोन लगा दिए, बता नहीं तो मैं तो जाता वही ढूंढना, जाता और आ जाता। दोनों बाइक कितनी प्यारी लग रही है साथ में, देखो भाई देखो क्या बोलते हैं रेसर फोर्स। भाई लोग एक बार व्यू चेक करो यार, कितना प्यारा व्यू है भाई। तिलवारा घाट है ये जबलपुर में, देखो सनसेट होते हुए कितना प्यारा लग रहा है, अभी थोड़ी देर में सन एकदम गायब हो जाएगा, और व्यू कितना प्यारा है, ऐसे मौसम में कितना अच्छा लगता है यार। देख रहे हो बाइक हमारी वहाँ खड़ी है, हम जा रहे हैं, चेक करो भाई, कुछ सालों पहले आए थे, गाड़ियां हमारी यही लगी थी। भाई लोग ये रिजॉर्ट था, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, रात हो गई है, अब हम चलाएंगे राहुल भैया की CVR, राहुल भैया चलाएंगे हमारी GT, हमारी GT बहुत अच्छी लग रही है। एक एग्जॉस्ट इसका नीचे है, अलग ही दिख रहा है, इसके मिरर्स बहुत अच्छे लगते हैं यार मुझे, चलो इसको लेके चलते हैं। राइडिंग पोस्चर बहुत ज्यादा प्यारा होता है इसका, ना आपकी कमर में दर्द होगा, ना बैक में, ना रिस्ट में, आराम से लॉन्ग रूट के लिए अच्छी होती है ये। वाओ RPM तक जा रही है, एक्रापोविच कस्टम एग्जॉस्ट। वाओ
बहुत प्यारी चल रही है गाइस, स्मूथ है। 12-13 साल पुरानी गाड़ी आज भी सुपर स्मूथ है भाई, होंडा है ना इसलिए। सिंगल सिलेंडर होने के बाद भी बहुत स्मूथ है। ज़िगज़ैग बहुत अच्छी होती है ये भी। वाओ, कोई कमी नहीं है भाई पावर में। एक चीज और, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कोई बहुत पुरानी बाइक चला रहा हूँ। वैसे तो ज्यादा चली भी नहीं है, 26,000 को चली है जो कि बहुत कम है भाई। राहुल भैया को देख रहे हो भाई, जीटी को देख रहे हो, रात में अच्छी लगती है जीटी बहुत। सीबीआर से हरा दिया राहुल भैया को। आज की डेट की बाइक से भी कंपेयर करोगे ना तो ये कम नहीं है भाई। भाई लोग, सीबीआर ना एक चीज में बहुत अच्छी है, पावर तो अच्छा है ही, साथ में ना माइलेज भी बहुत अच्छा देती है। पर जीटी ने ना भाई 500 का पेट्रोल खा लिया होगा, इसने वाले में कितना खाया होगा, इसने खाया होगा भाई 300 का खाया होगा बस, ये चीज है। बहुत प्यारी चल रही है। राहुल भैया, इट वॉज लवली राइडिंग विद यू, इट वॉज अ ग्रेट राइड। भैया कोई बोलेगा 12-13 साल पुरानी यार? कोई नहीं बोल सकता यार, ऐसा लग रहा है बस एक आध साल चली होगी। चलने में भी एक नंबर है यार, कॉन्फिडेंस से लेके हर चीज प्रॉपर एकदम। रखे हो यार उसको, रखे हो, ठीक है भैया, ओके भैया, बाय। रेसर फोर्स में आ चुका हूँ अपनी जीटी में, भैया जा चुके हैं। और इसमें आते साथ में क्या देख रहा हूँ भाई, जब मैंने पेट्रोल डलाया था ना, देखो 4 पॉइंट थे ना, अब 2 हो गए, घर जाते जाते वो भी खत्म हो जाएगा। तो इतने से मैं ये 500 का पेट्रोल ले लेती है, माइलेज का बहुत रोना है इसमें। अभी मुझे लग रहा है कि अभी और कम दे रही है, पहले तो ठीक देती थी माइलेज, अभी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ जाके चेक वेक कराऊंगा, माइलेज इसका काफी कम लग रहा है मुझे। तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, अगर ये व्लॉग पसंद आया तो गाइस प्लीज इसको लाइक कर देना। जो भी भाई लोग नया आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ, जल्दी से 20,000 करा दो, जल्दी से सुपर बाइक लेके आनी है यार। बाकी मिलूंगा आप लोगों से अगले व्लॉग के साथ, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।